तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था इस माध्यम से कि मोहन भागवत ने बयान दिया, उस बयान के ऊपर बहुत सारे चैनल जो गोदी मीडिया है उसने तो भागवत का बयान वगैरह ये सब दिखाया, लेकिन जो बहुजन समाज के जो चैनल है तो उन लोगों ने इस बारे में कभी इस बारे में एक बात भी नहीं कही कि ये जो है बामसेप और उनके जो कार्यकर्ता है वामन मेश्राम जी है, इनके द्वारा जो जन जागरण महाजागरण किया जा रहा है उसका परिणाम है। मुझे तो ये बहुजन यूट्यूबर का समझ में नहीं आता है, केवल इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। अरे तुम्हारा कोई न्यूज चैनल मतलब जो गोदी मीडिया जैसा न्यूज चैनल है कि इधर से इंफॉर्मेशन आ गई वो दे दिया डिलीवर कर दिया, ये काम नहीं है ना, उसके पीछे की बात भी तो बतानी चाहिए, इसके लिए बामसेप जिम्मेदार है। अरे उनका हौसला तो बढ़ाना चाहिए जो वाकई में लड़ाई लड़ रहे। अभी मराठा के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो भारत में जो अपने आप को बहुजनों के संगठन कहते हैं, बाबा साहब के नाम पे जय 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 भीम करते रहते हैं, कि इन्होंने मराठा के फेवर में रैली निकाली पुणे में। उनको समझ में भी आता है कि मराठा के फेवर में रैली निकालने का क्या मीनिंग होता है। मराठा जो है अपर कास्ट है, वो अगर एससी के साथ जुड़ गई तो महाराष्ट्र का तो पूरा मामला ही पलट जाएगा। इसी तरह अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूं, मान लो राजस्थान है, तो राजस्थान में अगर गुर्जर है, शेड्यूल कास्ट और गुर्जर अगर इकट्ठा आ गए तो राजस्थान का ही मामला अलग मामला पूरा बहुजनों में रूपांतरित हो जाएगा राजस्थान। हरियाणा में जाट और शेड्यूल कास्ट आ गए तो हरियाणा में राजनीतिक स्थिति सारा कुछ परिदृश्य बदल जाएगा। तो जिस समय जाटों ने गुर्जरों ने उन लोगों ने चलाए थे तो वहां पर भी किसी बहुजन समाज के लोगों ने जो अपने आप को बाबा साहब का लीडर या बहुजन समाज के लीडर समझते थे, उन्होंने करना चाहिए था ना। तो अभी भारत मुक्ति मोर्चा की जब ताकत बनी तो उस ताकत के दम पे पुणे में रैली किया मराठा आरक्षण के समर्थन में, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से भागवत को कहना पड़ा रैली की घोषणा करते ही, क्योंकि ये बहुत मामला जो है मराठा और शेड्यूल कास्ट जुड़ गए तो फिर तो ब्राह्मण तो अकेले पड़ जाएंगे ना, फिर बचा कौन। तो इसलिए जो है जो बहुजन यूट्यूबर है वो बहुजन जो इंडिविजुअल है और जो ऐसे चैनल वैनल चलाते उनका छोड़ो, वो तो पता नहीं क्या करते रहते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल भी जो यूट्यूबर है बहुजन समाज के, तो उन्होंने तो सच्चाई और फिर सच्चाई बताने की बात कह रहा हूं। अगर इसके लिए वामन मेश्राम जिम्मेदार नहीं है तो आप बोल दो कि जिम्मेदार नहीं है और बता दो कि 10 तारीख को मराठाओं के समर्थन में फिर किसने रैली की थी वामन मेश्राम को छोड़ के, बता दो कि भारत में ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा वामन मेश्राम के अलावा किसने चलाई, बता दो कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मामला बामसेप ने नहीं उठाया, सबसे पहले फलाने फलाने संगठन ने उठाया था, बोल दो ऐसा। मुझे समझ में नहीं आता कि वामन मेश्राम का नाम लेने में कौन सा पिछवाड़े में कीड़ा काट जाता है इनके। अरे कोई दुश्मन है क्या वामन मेश्राम? और वो अगर वाकई में आंदोलन लड़ रहा है तो उसको बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति आंदोलन लड़ रहा है उस आंदोलन लड़ने वाले के समर्थन में आप नहीं बोलेंगे तो काय के आप बहुजन यूट्यूबर है? आंदोलन लड़ने वाले के समर्थन में बोलना पड़ेगा ना, हम कैसे निष्पक्ष होके बोलते हैं? हम भी तो बात रखते हैं। बामसेप से अलग हो गए, विरोधी हो गए, उसके बावजूद हमने उनके संबंध में बात रखी कि अगर ऐसा ऐसा हो तो आप लोगों ने इसी तरीके से बामसेप चलाना चाहिए, विरोध करने के बजाय क्या वामन मेश्राम ओबीसी विरोधी है उस वीडियो में कहा। निष्पक्ष बात रखनी चाहिए, जो वाकई में कर रहा है लड़ रहा है उसका नाम तो ले सकते हो। अभी भागवत की टक्कर में कौन है जो जिनको आप नेता समझते हो उनके चेहरे ऐसे 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 एक एक दिमाग में लाइए और एक तरफ भागवत को रखिए और दूसरे तरफ दूसरे बहुजन समाज के आपके नजर में बहुत बड़के नेता है उन नेताओं को रखिए,
और देखिए तो जरा उसकी टक्कर में कौन लगता है, कौन आरएसएस के षड्यंत्र को समझता है, कौन उसको गहराई से अध्ययन कर रहा है, कौन उसके आरएसएस के षड्यंत्र को फेल करने की रणनीति बना रहा है। ऐसा करते हुए तो कोई दिखाई दे नहीं रहा, जिधर उधर राजनीतिक 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 लगा के रखा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा सामाजिक, ये जो बताया ना सामाजिक विषमता, उस सामाजिक विषमता ने जानवर की स्थिति पे ला दिया था। राजनीति बाद में है, ब्राह्मण धर्म ने जानवर की स्थिति में लाके रख दिया था बहुजन समाज को। विधायक और सांसद ही तो बाद की बात है। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो आपने जानकारी दे दी पूरी, में कई सारे लोगों के देखा तो वीडियो देखा तो भागवत ने ये कहा, उसने वैसा कहा, और फिर अभी निजीकरण खत्म हो गया है फिर भी अभी आरक्षण की बात कर रहा है, और फिर ये सामान्य एकदम बात, चलो सामान्य बात की ओके, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये बामसेब के कारण हो रहा है। बामसेब के लोग जो है वह अपना पैसा खर्च करके और टिकट निकाल के वह पुणे में गए, काशी मथुरा के समय में उसके पहले ही दिन भारत बंद किया, दूसरे दिन पुणे में जाके वहां पर रैली किया, तो दिख नहीं रहा क्या? और दिखने के बावजूद अगर अंधे बने हुए हैं तो नालायकी की हद है। इसलिए साथियों जो सच्चाई है वो सच्चाई को समाज के सामने रखना बताना जरूरी है, और ताकि अगर आप ऐसा चैनल बनाया है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आप बोलना जानते हैं, तो सही दिशा में बोलिए। जब आप इस टाइप से बोलेंगे तो बामसेब से लोग जुड़ेंगे, वावन मेश्राम के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे तो वावन मेश्राम की ताकत बढ़ेगी, वो और भागवत को चैलेंज करेंगे। और केवल हवा में बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अब अयोध्या का जब मामला चला था, जब वहां पर नरेंद्र मोदी और भागवत गए थे, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, जमीन का जो करते हैं वो करने गए थे पूजा पाठ करने के लिए, भारत में कौन सा बौद्ध संगठन है जिन्होंने उसका विरोध किया था? बताना जरा एकाध बौद्ध संगठन का नाम, या एकाध ऐसे बहुजन नेता का नाम जो अपने आप को बहुत बड़े अम्बेडकर राइट और समझते हैं, बुद्धिस्ट समझते हैं, किसी ने नहीं किया था। काली पट्टी बांधकर और सोशल मीडिया पर ये वो सारा तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का ही चल रहा था, तो ये बात छुपी हुई है क्या? ये सारा अभी अभी विलास खराज जो है डेली नया 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 निकाल के ला रहे हैं। ये बौद्धों से चुराया है, वो बौद्धों से चुराया है, सनातन शब्द बौद्धों से चुराया है, सारा निकाल के ला रहे हैं। भारत में कौन सा बहुजनों का संगठन है जो ये काम कर रहा है? और जब नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, जो कर रहा है उसके समर्थन में तो बोल सकते हो, उसके समर्थन में तो बात कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा था कि साथियों हम लोगों ने जो सच्चाई है वो सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करने के बाद उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही कहना चाह रहा था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भोले वासी।